नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज भी बिहार की गिनती भले ही पिछड़े राज्यों की श्रेणी में होती हो, लेकिन बिहार को विकास के पथ पर चलाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। यही कारण भी है कि बिहार में आए दिन सरकार विकास के नए आयाम लिख रही है। इसी के तहत अब बिहार में एयरपोर्ट विस्तार का काम किया जा रहा है, यानी कि तेजी से एक के बाद एक एयरपोर्ट को खोलने का काम हो रहा है। हालांकि वर्तमान समय में बिहार में एयरपोर्ट की संख्या गिनी चुनी है। वैसे तो अगर एयरपोर्ट के नाम आप गिनने बैठेंगे तो आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये चर्चा वहीं पर रुक जाएगी जहां पर एक्टिव एयरपोर्ट की बात होगी, यानी कि जहां से नियमित विमानों की उड़ान हो रही हो। ऐसे एयरपोर्ट की संख्या बेहद ही कम है। यही कारण भी है कि बिहार में सरकार भी जोर शोर से एयरपोर्ट के विस्तार में लगी हुई है। दरभंगा एयरपोर्ट इसी के उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जहां पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए बिहार को और ज्यादा एयरपोर्ट की जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही कम समय में यात्रियों को तमाम सुविधा मुहैया करवाने में सफल हुआ है। इसी बीच अब बिहार वासियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत ही दरभंगा के बाद अब गोपालगंज स्थित सवैया हवाई अड्डा से भी जल्द ही फ्लाइट सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि उड़ान योजना के तहत चालू करने की उम्मीद है। गोपालगंज के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मंगलवार को लोकसभा में सवैया एयरपोर्ट का मसला उठाया। ज्ञात हो कि डिमांड फॉर ग्रांट के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एयरपोर्ट काफी मददगार साबित भी हुआ था। सबसे खास बात यह है कि सवैया एयरपोर्ट पर आज भी दो लंबे रनवे हैं, जिसकी मरम्मत करने की जरूरत है ताकि कम खर्च में ही हवाई यात्रा शुरू हो सके। हाल ही में सवैया एयरपोर्ट की जमीन का रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें 1011 लोगों ने 338.66 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिसके बाद ही सांसद ने भी मांग की है कि रक्षा मंत्रालय की मदद से बिहार सरकार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन को कागजात उपलब्ध करवाते हुए सख्त आदेश दिया जाए, ताकि एयरलाइनें उड़ान भरने के लिए जल्दी तैयार हो सके। इसको लेकर ही लोकसभा में रक्षा मंत्री से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी की गई, ताकि समय रहते सवैया एयरपोर्ट को चालू किया जा सके, जिससे ही उड़े देश का आम नागरिक का सपना गोपालगंज के लोगों का साकार हो सके। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा गोपालगंज और सिवान जिले में आती है, क्योंकि गोपालगंज और सीमावर्ती जिला सिवान समेत आसपास के जिलों में लाखों लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ये सभी लोग 150 से 200 किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली के लिए प्लेन पकड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए गोपालगंज से कोई सीधी ट्रेन है ही नहीं। ऐसे में अगर डिमांड फॉर ग्रांट में RCS में लोकेशन की वृद्धि की जाती है तो निश्चित ही गोपालगंज को भी फायदा होगा। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि गोपालगंज जिला स्थित इस एयरपोर्ट का मसला समय समय पर संसद में उठता रहा है। अगर इस एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होती है तो इसका बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, यानी कि अब उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार के एक और शहर को एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।